नेताओं को जेल में रखा जा रहा है, आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के ऊपर दुनिया भर में कानून लगा जाते हैं, वो नेताओं के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर लगा लगा के उनको लंबे लंबे समय तक जेल में डाला जा रहा है ताकि उनकी जमानत तक ना हो सके, उनके ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ फिर भी जमानत ना हो सके। ये तानाशाही है, ये तानाशाही देश के आम आदमी के खिलाफ हो रही है। इसका जो भुक्तभोगी है सबसे ज्यादा देश का एक आम आदमी है, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसकी नौकरी खतरे में है, सारी चीजें खतरे में है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा सारे विपक्ष को एकजुट होकर, और सारे विपक्ष को यही सोचना कि आज मेरा नेता जेल में, कल उसका जेल में, जब जिसका जेल में उसकी लड़ाई लड़े। आज मैंने कहा भी है और फिर से दोहराता हूँ कि अगर आज देश ने विपक्ष को एक ताकत दी है और अगर आज विपक्ष पूरा एकजुट होकर एक आवाज में बोल देगा तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे।